वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड लेटेस्ट। आज मैंने आपके लिए एकदम नई वीडियो, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, दोस्तों आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो GB व्हाट्सएप से ऑटो रिप्लाई वाला फीचर ऑन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, आधे एक घंटे तक तो मैसेज आते हैं पर उसके बाद ऑटो रिप्लाई होना बंद हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ऑटो रिप्लाई में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं अपनी GB व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी GB व्हाट्सएप खोली है, तो अभी यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या क्या करने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने जब पहले 10-12 ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, तो आपने ज्वाइन कर लिए उसके बाद आपका ऑटो रिप्लाई ऑन है तो वो तब तक एक चीज़ ध्यान रखें, जब आपका ऑटो रिप्लाई ऑन हो बीच में किसी का कॉल ना आए, क्योंकि कॉल आने से क्या होता है नेट की स्पीड कम हो जाती है और कई बार नेट बंद भी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटो रिप्लाई होना बंद हो जाता है। और फिर एक साथ जैसे ही आप जब वो कॉल्स काट देते हैं तो सारे मैसेज एक ही टाइम पे जाने लगते हैं, उतना ज़्यादा लोड ले नहीं पाती GB व्हाट्सएप। दूसरा दोस्तों इसलिए आप ध्यान रखें किसी का भी कॉल ना आए। तो दूसरा दोस्तों ध्यान रखें आपका नेट गलती से बंद नहीं हो जाए, जब ऑटो रिप्लाई होना है तो आपका गलती से भी नेट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार नेट बंद हो गया फिर सेम वही कंडीशन बन जाएगी कि जब आपका वापस से नेट चालू होगा तो एक साथ बहुत सारे मैसेज जाएंगे और उतना सारे का लोड GB व्हाट्सएप नहीं ले पाएगी। तो आपने ऐसा अगर एक बार नेट बंद कर दिया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वो सारे लीव करने पड़ेंगे आपको बारी बारी, और उसके बाद से वापस से नए ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे आपको। तीसरी दिक्कत आती है दोस्तों कि जो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे GB सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको। सॉरी दोस्तों, आपको GB व्हाट्सएप सेटिंग में नहीं जाना है, आपने नीचे वाली सेटिंग में जाना है। तो उसके जाने के बाद आपने यहाँ पे स्टोरेज पे चल जाना है। स्टोरेज पे जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इसे नो नो कर देना है आपने। एक तो आप देख सकते हैं यूजिंग मोबाइल डाटा, इसमें से आपने सब जो जिस पे भी टिक होगा आपने सारे टिक हटा देने हैं। दूसरा ये वाईफाई वाले से भी हटाने हैं और रोमिंग वाले से भी हटाने हैं। तीसरा ये जो उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे स्टोरेज यूजेस पे, उसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे कि कितना क्या आपका डाटा वगैरह है। सॉरी दोस्तों, आपने जाना है नेटवर्क यूजेस पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल से 742 मैसेज सेंड हुए हैं और इतने मैसेज मैंने रिसीव किए हैं। तो उसका लोड देख सकते हैं यहाँ पे 17 MB का है मैसेज सेंड और रिसीव का। तो आपने क्या करना है, सारा क्लियर करते रहना है थोड़े थोड़े टाइम में। तो दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ से शायद क्लियर कर सकते हैं, तो देख सकते हैं मैंने इसे क्लियर कर दिया, ये क्लियर हो गया है। तीसरा दोस्तों आपने उसके बाद क्या करना है, अपनी GB व्हाट्सएप को पकड़ना है ऐसे ही, तो इसमें सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्टोरेज पे चल जाना है, उसके बाद ध्यान रखें दोस्तों आपने इस नीचे वाले पे क्लिक करना है, इस ऊपर वाले पे गलती से भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा डाटा उड़ जाएगा, आपने सिर्फ नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि जब आप 5-6 आपका ग्रुप में थोड़े बहुत वो ऑटो रिप्लाई ऑन कर दें तो आपको हर बार अगर नेट आपका गलती से बंद हो गया एक बार भी तो आपको फिर वो सारे ग्रुप लीव करके वापस से नए ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ऐसा नहीं हो। तो ये आपका ये ध्यान रखें, नेट बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप अगर GB व्हाट्सएप आपकी ऐसे नीचे से ना हटाएं, चाहे इसको ऐसे ना हटाएं, इसको पड़े रहने भी पीछे ही बैकग्राउंड में चलती रहे, और नेट का ध्यान रखें बिल्कुल, नेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेट का ध्यान रखें, आपके नेट की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, नेट बंद नहीं होना चाहिए आपका। तो क्योंकि नेट बंद हो जाता है तो उसके बाद में सारे मैसेज एक साथ जाने लग जाते हैं, जब भी आपका नेट चालू हुआ तो फिर वो जा नहीं पाते हैं। और ध्यान रखें थोड़े थोड़े टाइम में अपने सारे ग्रुप लीव करते रहें और नए ग्रुप ज्वाइन करते रहें, और बीच में थोड़े थोड़े टाइम के लिए GB व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई का फीचर भी बंद रख दें, ये नहीं कि 24 घंटे चलता रहे। आपने 3-4 घंटे चला लिया फिर 3-4 घंटे के लिए ऑफ कर दिया, 3-4 घंटे चला लिया 3-4 घंटे के लिए ऑफ कर लिया, ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप GB व्हाट्सएप के 10-12 क्लोन बना सकते हैं, उनसे आप कर सकते हैं, बारी बारी सारे चला सकते हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप GB व्हाट्सएप का क्लोन बना सकते हैं। और अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए, क्योंकि आप अगर इसका फ्री वाला वर्जन करेंगे तो आप सिर्फ एक ही क्लोन बना सकते हैं, किसी भी एक ऐप का एक ही क्लोन बना सकते हैं। और अगर आप प्रो वर्जन करेंगे तो आप किसी भी ऐप के 20 क्लोन बना सकते हैं दोस्तों, 20 क्लोन, और आपको कोई ऐड वगैरह भी नहीं देखने पड़ेंगे, और आपको कभी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रो वाले का। और अगर आपको लिंक ओपन करने में या ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ इसके ऊपर, क्लोनर ऐप के ऊपर, कि इसका प्रो वर्जन कैसे यूज़ करना है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो में थोड़ी भी अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।